ठीक है, दूसरे हाथ से पकड़ लेना, तब इसको इधर से चेंज करना, इसको नहीं छूना। हल्के हाथ से होता है, डार्क नहीं होता है, टाइट कर दोगे। अब देखो ये मोड़ना है ना, इसको ऐसे पकड़ लो, इसको यहाँ से, हाँ अब तब मोड़ना। हाँ हो गया, अब देखो ये पूरा हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया यहाँ से हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ये देखो पूरा हो गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे बातें नहीं, मैं तो एक वृत्त और उसके कोई दो व्यास खींचे, यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? यदि व्यास परमसर लंबे हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे? दो वृत्त खींचना है, कैसे? एक एक खींच लिए, एक दूसरा फिर इसी में, ठीक है, और तब उन सबको मिलाना है और बताना है कि ये क्या बना है। चलो दो कोई सा भी नंबर का पीछे क्वेश्चन लिखे, क्योंकि यह अधिकार उनको नहीं था। डेट फैक्ट ऑफ द हैबिट, क्योंकि कौन सा घटक होता है इसमें लिखा था? पौधे की डैश मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थ का अवशोषण करती है, जड़ ना, यहाँ जड़ होगा सेकंड में, लिखा था पता नहीं, आप फिर लिए थे इसको, मुझे लिखना था, आपका इंग्लिश में होगा बस, मेरा भी है सर, इंग्लिश वाले इंग्लिश में फील करेंगे, इसमें रूट फील करना था, इसमें जैविक और अजैविक घटक होते हिंदी में, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, क्या था उसका नाम इंग्लिश में ध्यान में नहीं आया, जल और खनिज कौन देता है हमें, पहला से ही पहुंचता था ना सभी जगह, ठीक था, हाँ ठीक है, वे रोग जो लंबी अवधि तक श्वास को अभाव के कारण होते हैं उन्हें रोग कहते हैं, कौन सा रोग कहते हैं? द डाइजेस्ट बीच द कोर्स ड्यू टू लॉ ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर डाइट फॉर अ ओ क्या था, अवधि तक श्वास को अवकाश के कारण होते हैं, कौन सा रोग था? ये सब उसमें था सही गलत क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, इससे भी हार्ड पिछले बार का क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, बस यही बोलो कि आप पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। सांस सभी सजीव श्वसन करते हैं, सही या गलत? सही, ये सही था। पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर गुजरने देती है, पारदर्शी वस्तु में आर पार जो होता है, हाँ प्रकाश को अपने अंदर से होकर गुजरने देती है, बताइए सही हो गई क्या? माचिस की तिल्ली विद्युत रोधी रोधी, माचिस की तिल्ली विद्युत रोधी वस्तु है, विद्युत विद्युत नहीं, उसमें तो हम वो मसाला वसाला जलता है तब उसमें वो बिजली का वो आता है ना, मानव में और जानवर में बच्चा देता है, लेकिन पंछी में अंडे देते हैं ना, और पशु में भी अंडा, जैसे मुर्गी अंडा ही देती है, मुर्गी देती है ना, तो ऐसे नाम लिखे थे इसमें, हमारी तुम्हारी भाषा में बता रही हूँ, ठीक है, हमारे मैम पता क्या कह रही थी, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा था ना, तो कह रही थी कि ना मैं अब नहीं पढ़ रहा हूँ ना, क्लास के बाहर मुर्गा बना दूंगी और फिर पूरा टाइम अंडा देना, मैम फिर वो कह रहा था कि मुर्गा अंडा थोड़ी देता है, उसके बाद प्रिंसिपल सर ने उसको बहुत मारा, तुम्हारा जैसा होगा,
टीचर बोली कि मैं तुम्हें मेल कर दूंगी, आपको बड़ा से बोलूंगी आपने मुझे पढ़ाया था, फिर कर दो। नो मैम, मैं कह रहा था ठीक है चलो ठीक है, कोई काम पेपर नहीं था, अगर कुछ अपने तरीके से भी लिख दिए होते तो हमारे शरीर में मोटापे का कोई एक कारण लिखिए। जीवों का आवाज किसे कहते हैं, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसी को जीवों का आवाज कहते हैं ना। पास मार तो ऐसे ही अपने आप लिख देते हैं। चलो ठीक है, बोल रही थी खुशी की बहुत हार्ड है, क्या हार्ड है? 20।